गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मैं स्मिता परवार, एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो हमारा पार्ट नंबर 3 था उसमें हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे किसके बारे में, हमने कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे थे हमारी बुक के। ओके, अब जो नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो हम अब जो आगे के हमारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है वो हम पार्ट नंबर 4 में पढ़ने वाले, जो हमें अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो कितने टाइप की होती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया बहुत अलग अलग टाइप की होती है, तो उसको हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 9वीं में हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो परमाणु के मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही मिश्रण के अंदर आता है। यानी कि हमने बात की थी कि जब भी हमने पढ़ा था, जब 9th क्लास में परमाणुओं के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पर यहाँ पर ये भी क्लियर है कि परमाणु क्या होते हैं, किसी तत्व के परमाणु में क्या होते हैं, एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है ना, और ना ही परमाणु मिश्रण के बाहर आता है, ना ही हम लोग रिएक्शन करवा रहे हो और पता चला कि परमाणु बाहर आ गया, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है कि द्रव्यमान को हम कम भी नहीं कर सकते और बढ़ा भी नहीं सकते है ना। तो वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आवरण के टूटने तथा जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो फिर रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, जैसे क्या है कि दो पदार्थ है हमारे पास, उनके कहीं ना कहीं उनके तत्वों के बीच या उनके अणुओं के बीच क्या है, आपसी बंध बना हुआ है। तो वो आपसी बंध टूटता है तभी वो क्या होता है, किसी दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि कोई दो बीकर है हमारे पास और उनमें क्या है, कहीं ना कहीं दो पदार्थ ऐसे रखे हुए हैं जो आपस में पूरी तरह घुले हुए हैं, और तीसरा पदार्थ वो है उसमें हमको जाके इन दोनों पदार्थों को मिलाया, तो कहीं ना कहीं हम इसमें से अगर निकाल के इस पदार्थ को इसमें डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके आपस के बंध हम तोड़ रहे हैं, और जाके ये पदार्थ क्या हो जाएगा, इसमें कोई नया बंध बनाएगा अगर इसमें जाके घुल रहे हैं। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, जहाँ पर हम क्या कहते हैं, दो परमाणुओं के बीच आपस का बंध टूटता है और जाके किसी नए परमाणु के साथ बंध बनाता है, ठीक है, ये बंध द्वारा जोड़ते हैं परमाणु। तो इन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती है, हम अभी फिलहाल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहला देखा हमको रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहला देखा है संयोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दे रखा है संयोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन दे रखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दे रखा है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से मेनली क्या होती है, 5 टाइप की रिएक्शन होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है मेनली 5 टाइप्स की होती है। तो जो हम सबसे पहले वाली पढ़ने वाले अभिक्रिया वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो हम स्टार्ट करें, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है हमारी, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक क्रियाकलाप दे रखा है हमको संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, इसे धीरे धीरे जल में मिलाइए, अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा कि चित्र में दिख रहा है हमको। ये क्या है, एक डायग्राम में हमको दिया हुआ है कि हमको कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोला है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, जिसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसको क्या करना है हमको एक बीकर में लेना है और उसमें क्या करना है, धीरे धीरे पानी मिलाना है। आपने देखा होगा अगर चूने में हम पानी मिलाते हैं तो इस तरह से क्या होता है, चूने में पानी मिलाने पर हमको क्या देखते हैं कि हम अगर चूने का पानी मिलाने के बाद अगर उसको इस बर्तन को स्पर्श करेंगे यानी उसको हाथ लगा के देखेंगे तो बर्तन कहीं ना कहीं गर्म हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा ना, अगर चूना का पानी लिया हुआ, चूना लिया हुआ, उसमें पानी डाल दिया, बुझा हुआ चूना था उसमें पानी डाल दिया, तो वो एकदम से उसमें क्या होती है, गर्म गर्म भाप निकलने लगती है, तो वो बर्तन भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये क्यों हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक तरह से रासायनिक परिवर्तन हुआ है जहाँ पर चूने के पानी है यानी बुझा हुआ चूना पानी के साथ मिलने के बाद क्या हुआ है, तो बिना बुझा चूना पानी के साथ मिलने पर क्या हो गया, बुझ गया है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड जो रहता है उसे हम बुझा चूना, बिना बुझा चूना कहते हैं है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वही बिना बुझा चूना कहलाता है। उसमें हमने क्या करा, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, इस अधिक मात्रा में उसमें उत्पन्न भी करता है।
क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है यानी बिना बुझा जो चूना था उसकी रिएक्शन हम किससे साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ करा रहे हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, CaO होता है, और वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो इन दोनों की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है इन दोनों की रिएक्शन के बाद, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन H2O के साथ यानी जल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और इसमें इस केस में क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी जहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में कम्बाइन होकर क्या बनाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। यानी कि क्या हुआ है कि दो पदार्थ से आपस में जुड़े और कोई तीसरा पदार्थ हमको मिला है। तो एक तरह से ये दोनों कम्बाइन ही हुए हैं, संयोजन ही हुआ है इनका, इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, जिसमें क्या हो गया, बहुत सी मात्रा में क्या निकली हमारी, उसमें बाहर गई है। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमको संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्लियर हुई। ये दोनों कौन थे, एक तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो उत्पाद होता है हमारा। तो वही है कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल्स देखें हम, जैसे कि हमको यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, 2H2O बना रहे, यानी क्या बना रहे, जल बना रहे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर क्या बनाया, जल बनाया। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, और ऑक्सीजन का भी O2 होता है ना, पर हमारे जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो हमको बनाना क्या था, H2O बनाना था, इसलिए हमने क्या करा है यहाँ पे, H2 और O2 अगर हम आपस में ऐसे ही मिला देते तो ये क्या बनता, कुछ नहीं बनता, फॉर्मूला ही नहीं बनता, बन रहा था ना आपस में इनके रिएक्शन करने के बाद। इसलिए हमने H के साथ भी क्या लिया है, 2H2 लिया है, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा जल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, इसलिए यहाँ पर 2H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है, क्योंकि हमारे जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, चार है, चार इधर भी हो गए, ऑक्सीजन दो है, तो दो ऑक्सीजन इधर हो गई है ना। इसलिए इस केस में क्या हुआ है कि वो जो यहाँ पे हाइड्रोजन हमने दो लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है हमारा जल का फॉर्मूला क्या होता है, 2H2 होता है। इतना हो गया, जैसे यहाँ पर हमको एक और एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो होती कैसे कि दो रिएक्टेंट है हमारे पास, यानी दो कौन है, अभिकारक है, और वो आपस में जुड़ रहे हैं, और तीसरा कोई नया पदार्थ, दोनों मिलकर तीसरा पदार्थ बना रहे हैं है ना, और ये पदार्थ कौन है, पूरा एक पदार्थ कहलाएगा, ये दोनों अलग अलग ही हूँ, तो ये आपस में मिलने के बाद क्या होते हैं, एक पदार्थ बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हमारी संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या हो गई, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो हुआ आपको क्लियर, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्लियर होगी, संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब ये दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी संयोजन अभिक्रिया क्लियर। उसके बाद हमको एक और रिएक्शन पढ़नी है, वो हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और हमारे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में, जैसे 2mg प्लस O2, ये दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, 2mg बना रहे हैं, यहाँ पे भी संयोजन हो रहा है, दो पदार्थ मिलकर सिर्फ एकल उत्पाद बना रहे हैं। 2H2 प्लस O2, जैसा कि हमने जल का एग्जांपल देखा था अभी, 2H2O, ऐसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। H2 प्लस Cl2 मिलकर 2HCl, 2Na प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। यहाँ पर NaCl में क्या आपको दिख रही है कुछ रिएक्शन, गलत दिख रही है क्या, NaCl के केस में कुछ रिएक्शन अजीब लग रही है क्या, यहाँ पे 2Na थे, यहाँ पे 2Cl2 था, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, 2NaCl होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है हमको, Fe+S तो Fe+S बन रहा है, CaO प्लस H2O तो CaOH2 बन रहा है, NH3 प्लस HCl है तो NH4Cl बन रहा है, 2CO प्लस O2 तो क्या बन रहा है, 2CO2 बन रहा है,
ऐसे ही 2SO2 प्लस O2 मिलकर 2SO3 बन रहा है ना। तो इस तरह से ये सारी किसी रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गई, यानी संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल हो गई। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो रिएक्शन है हमारी उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ है उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये रिएक्शन क्या होती है, हमने अभी हमने जो 4.1.4 जो हमने अभी क्रियाकलाप देखा था यानी कि एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें हमको क्या दिख रहा था कि रिएक्शन तो हुई थी, यहाँ पे देखा था हमने कि रिएक्शन तो हुई थी, साथ में इसमें क्या निकली थी, उष्मा भी निकली थी। तो ये जो उष्मा निकलने का एग्जांपल है, ये एक और रिएक्शन को स्पष्ट करता है। वो क्या है, हमने देखा कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो रहा है कि जब हमने दो अभिकारक को आपस में मिलाया तो उत्पाद तो बना, और उत्पाद के साथ साथ क्या हो गई, उष्मा भी उत्पन्न हो गई। तो वो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि उष्मा उत्सर्जित हो रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि उष्मा क्या हो रही है, दो अभिकारकों को मिलने पर उष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था वो वाली रिएक्शन, जैसे और एग्जांपल लेके हम उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं की, तो प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन होती है, उसका जब दहन किया जाता है कोई किसी भी चीज़ का दहन, हम दहन की बात करते हैं तो हम दहन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। तो ऐसे मीथेन का जब हम दहन कर रहे हैं तो क्या मिलकर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें कि अगर हम कोई लकड़ी जला रहे हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है कि पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, हम पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते। तो जब हमारी लकड़ी जलती है तो लकड़ी का साइज़ कितना बड़ा रहता है, और जलने के बाद लकड़ी कैसी हो जाती है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा पदार्थ है यानी कि जो लकड़ी है, वो जलते समय काय में बदल रही है, उष्मा में बदल रही है ना। तो पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो सकते हैं, पर उनको नष्ट नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कहेंगे लकड़ी इसमें नष्ट हो गई, लकड़ी जाके काय में चेंज हो गई, उष्मा में बदल गई। तो वही है, और इस केस में इसको लकड़ी को जलाने पर कहीं ना कहीं रासायनिक परिवर्तन हुआ, और रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ, उष्मा उत्पन्न हुई। तो ये काय का एग्जाम्पल हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उसका एग्जाम्पल रही है, ठीक है। ऐसे ही प्राकृतिक गैस जो हमारी मीथेन होती है, उसको जलाने पर भी बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, तो ये भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की एग्जाम्पल हो गई, है ना। इसके अलावा देखिए हम, तो हम जब भी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जैसा कि हमको पता है कि हमको जिंदा रहना है तो हमको कहीं ना कहीं भोजन की तो जरूरत ही सी। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसे आप अध्याय 6 में अध्ययन करेंगे। तो हमको पता है कि जैसा कि हमको खाने पे हमको क्या मिलती है, खाने से हमको ऊर्जा मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो फूड हम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमको एनर्जी दे रहा है, वही एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, किसी और काम को करने के लिए क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं। तो एक तरह से हम वो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, एक तरह से किसकी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की एग्जाम्पल हो जाएगी। जैसे हम श्वसन करते हैं, तो श्वसन में भी हम क्या कहते हैं, सांस ले रहे हो, सांस निकाल रहे हो, तो वो भी एक तरह से कैसी होती है, उसमें छपी अभिक्रिया होती है, जिसमें हमको कहा गया कि इसकी डिटेल स्टडी हम किस में करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में हमको बताया जाएगा। जैसा कि इसकी रिएक्शन भी दिखी हुई है कि ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O बनाता है। ये रिएक्शन हमारे शरीर में होते हैं, हम कहते हैं ना हमको कभी वॉमिटिंग वगैरह होती है तो ग्लूकोज का घोल दिया जाता है कि ग्लूकोज कम हो गया ऐसा करके। तो ग्लूकोज क्या कहता है, हमें जो हमारी बॉडी रहती है उसको एनर्जी देता है ना। इतना आने के बाद ये सारी जो हो गई, हमने क्या किसके बारे में पढ़ लिया, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद उष्मा क्षेपी। तो उष्मा क्षेपी की और एग्जांपल देखें हम, तो ये सारी रिएक्शन हुई, जैसे तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं चार डायग्राम दिख रहे हैं आपको, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्नो, जैसे हमारी जो बर्फ होती है उसका भी कैसे बनती है, हमने देखा है कि बर्फ क्या होती है, भाप की वजह से बनती है। हम कहते हैं कि समुद्र में भाप बनती है, इस वजह से बर्फ भी बादल बनते हैं, है ना। तो स्नो फॉर्मेशन, स्नो जो होता है यानी स्नो का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि क्या है, उसमें क्षेपी अभिक्रिया है। उसके अलावा जो बर्न हम कैंडल जलाते हैं तो उसमें भी क्या होती है, वो कैंडल टूट जो होती है
वो उष्मा देती है हमको, तो वो भी उष्मा छिपी एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर हम लकड़ी को जला गए तो उससे भी हमको उष्मा मिल रही है, वो भी उष्मा छिपी एग्जाम्पल हुआ। गैस जो हुआ, गैस के बर्नर से हम जलाते हैं तो उसमें भी क्या होती है, उष्मा दे दी है हमको, मिल रही है उष्मा, तो वो क्या हो जाएगी, सारी उष्मा छिपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब जो आगे की बाकी रिएक्शन से, जो हमारी बाकी चार रिएक्शन से, वो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो इतना आपको अभी ध्यान रखना है, ठीक है, थैंक यू।